हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, हावर्स संरचना के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम फ्रक्टोज के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रक्टोज और फ्रक्टोज की संरचना के बारे में। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझें आप। फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। ठीक है, ये 6 कार्बन का होता है और इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज जो था उसमें 6 कार्बन था, वो भी हेक्सोज था, लेकिन उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था। ठीक है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, लेकिन इसमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। तो फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। यह डाइसेकराइड सुक्रोज के जल अघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब आप सुक्रोज का जल अघटन करेंगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। यह डाइसेकराइड सुक्रोज के जल अघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकराइड है। फ्रक्टोज जो है वह एक प्राकृतिक मोनोसेकराइड है जो कि फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। यह डाइसेकराइड ग्लूकोज सुक्रोज या डाइसेकराइड सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है जो फलों और सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है। फ्रक्टोज जो है वह शुद्ध अवस्था में स्वीटनर के रूप में यूज होता है, मधुरक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं फ्रक्टोज की संरचना के बारे में। फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है, तो ध्यान से समझें फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। जिस तरह से ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है, ठीक वैसा ही अणु सूत्र फ्रक्टोज का भी होता है। ठीक है, ग्लूकोज में नंबर 1 कार्बन पे CHO समूह था, लेकिन फ्रक्टोज में नंबर 2 कार्बन पे कीटोन समूह होता है। ठीक है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, ठीक है, यह पाया जाता है कि फ्रक्टोज में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है। ठीक है, कार्बन संख्या 2 पर क्या होता है? एक कीटोनिक समूह होता है। तथा ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणुओं की एक रिज श्रृंखला है। ठीक है, तो आप देखते हैं, जानते हैं कि ग्लूकोज में पहले कार्बन पर CHO ग्रुप होता था, लेकिन फ्रक्टोज में दूसरे नंबर कार्बन पे CO ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, और ग्लूकोज के समान फ्रक्टोज के भी 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, यह डी माइनस फ्रक्टोज का फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन जो है एक सीधी श्रृंखला में है और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर कीटोनिक समूह है। तो फ्रक्टोज का अणु सूत्र भी C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर यह पाया जाता है कि फ्रक्टोज में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणुओं की एक ऋज श्रृंखला है। यह डी श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? डी श्रेणी से संबंधित है तथा वामु ध्रुवण घुणक यौगिक है। ठीक है, यह कैसा ध्रुवण घुणक यौगिक है? वाम ध्रुवण घुणक यौगिक है। ठीक है, यह लियो रोटेटरी है। इसे माइनस से आप देख रहे हैं, दिखाया गया है लियो रोटेटरी है, वाम ध्रुवण घुणक यौगिक है। ठीक है, बाएं ओर प्रकाश को मोड़ता है। इसे उपयुक्त रूप में डी माइनस फ्रक्टोज लिखा जा सकता है। डी माइनस फ्रक्टोज लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, यहां इसकी आप देख रहे हैं विवृत श्रृंखला संरचना दी गई है, ओपन स्ट्रक्चर दी गई है।
ठीक है। फ्रक्टोज भी दो चक्री संरचनाओं में उपस्थित रहता है, ठीक है, फ्रक्टोज भी दो चक्री संरचनाओं में उपस्थित रहता है, जो कार्बन फाइव पर उपस्थित OH तथा, ठीक है, कार्बन दो पर उपस्थित CO कार्बोनिल समूह CO ग्रुप के योगक से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रक्टोज जो है यह भी ग्लूकोज की तरह दो चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है, और यह सभी संरचना कार्बन फाइव के पर उपस्थित OH और CO के योगक से प्राप्त होती है, ठीक है। तो कार्बन फाइव जो है इसका OH जो है वह जो CO ग्रुप होता है उससे मिलकर एक योगज बनाता है, ठीक है, जिसे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस कहते हैं और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस कहते हैं, ठीक है। इसकी संरचना जो है फ्यूरिनोस से मिलती है, इस प्रकार पांच सदस्यीय वलय बनता है तथा फ्यूरान से समानता के कारण इसे फ्यूरिनोस कहा जाता है। फ्यूरान से समानता के कारण इसे क्या कहा जाता है? फ्यूरिनोस कहा जाता है। फ्यूरान एक पांच सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और चार कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। यह फ्यूरान का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह एक चक्की संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु होता है और चार कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से फ्रक्टोज भी पांच सदस्यीय वलय बनाता है और इसकी समानता फ्यूरान से होने के कारण इसे फ्यूरिनोस कहा जाता है, ठीक है। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस कहा जाएगा, यह आपने देखा। तो आप देख रहे हैं कि फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज जो है एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज होता है। फ्रक्टोज क्या है? एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोज है। यह डाइसेक्राइड सुक्रोज के जल अवघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है जो कि फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र भी ग्लूकोज की तरह C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर यह पाया जाता है कि फ्रक्टोज में कार्बन संख्या दो पर एक कीटोनिक समूह उपस्थित होता है तथा ग्लूकोज के समान छह कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। यह डी श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण घोलक यौगिक है, ठीक है। इसे उपयुक्त रूप में डी माइनस फ्रक्टोज लिखा जा सकता है। यहां पर इसकी विपरीत श्रृंखला संरचनाएं दी गई हैं। इसका ओपन स्ट्रक्चर दिया गया है जिसे डी माइनस फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। यह भी दो चक्री संरचनाओं के रूप में उपस्थित रहता है जो कार्बन फाइव पर उपस्थित OH और CO के योगक से प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार पांच सदस्यीय वलय बनता है तथा फ्यूरान से समानता के कारण इसे फ्यूरिनोस कहा जाता है। फ्यूरान एक पांच सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और चार कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज को आप देख रहे हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस के रूप में होता है। फ्रक्टोज के दोनों एनोमर की चक्री संरचना को हावर्स संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। ये जो फ्रक्टोज के दोनों एनोमर की चक्री संरचना देख रहे हैं, इसका हावर्स संरचना कैसा होगा तो ध्यान दीजिए, इन दोनों संरचनाओं का हावर्स संरचना जो है इस तरीके से होता है। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोस का यह हावर्त संरचना है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर कार्बन पे CH2OH जो है ऊपर है और OH नीचे है,
ठीक इसका उल्टा जो है बीटा वाले में आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर कार्बन पर OH ऊपर है और CH2OH नीचे है, ठीक है। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफर्नोज में दूसरे नंबर कार्बन पे CH2OH ऊपर है और OH नीचे है, जबकि बीटा डी माइनस फ्रक्टोफर्नोज में दूसरे नंबर कार्बन पे OH ऊपर है और CH2OH नीचे है। बाकी आप देख रहे हैं समानता है हर जगह, ठीक है। तीसरे नंबर पे OH है, OH है, चौथे पर HOH है, पांचवें पर आप देख रहे हैं CH2OH है, ठीक है। तो यह जो स्ट्रक्चर है इसको हावर्स संरचना कहते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज में भी आप देखते हैं कि जो हावर्स संरचना है उसमें पहले नंबर कार्बन पे OH ऊपर होता है और H नीचे होता है बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस में, जबकि अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस में नंबर वन कार्बन पे H ऊपर होता है और OH नीचे होता है। बाकी जगह स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस में क्या होगा, पहले नंबर कार्बन में H ऊपर और OH नीचे है, जबकि बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस में पहले नंबर कार्बन पे OH ऊपर है और H नीचे है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, जैसे आपने फ्रक्टोफर्नोज में देखा कि इसमें भी आपने देखा कि दूसरे नंबर कार्बन में CH2OH ऊपर और OH नीचे होता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफर्नोज में, जबकि बीटा डी माइनस फ्रक्टोफर्नोज में दूसरे नंबर कार्बन पे OH ऊपर और CH2OH नीचे होता है। इस तरह से हम हावर्थ की संरचना को बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपके फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज की संरचना के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाइसेकेराइड के बारे में बताएंगे। थैंक यू।